तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे। और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 एबोव चैप्टर नंबर 66 लेकर। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा होता, पिछले चैप्टर में सोचिन जिंग के साथ बहुत ज्यादा मजाक कर रहा होता है, उसे प्यार और पसंद के बारे में समझा रहा होता है। और जिंग ये सब बात सुन के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और सोचिन को डेंग टू समझ के उसे अपने सर से पेट पर एक जोर से मारती है और वो चैप्टर वहाँ पे खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जिंग को दिखाया था, जिंग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस खत्म कर लेती है, अपने तलवार को वापस रख लेती है। उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है और वो सुचिन के पैर पे एक जोर से अपने तलवार से मारती है और सुचिन को कह रही होती है तू सही से खड़ा रहे। फिर हमें सुचिन और जिंक को दिखाया जाता है, सुचिन जिंक को घूरे जा रहा होता है और जिंक सुचिन को कह रही होती है अगर तू अपने हाथों को बार बार हिलाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है तेरे प्रैक्टिस का, और तू अपने हाथों को थोड़ा और ऊपर रख और हिल बिल्कुल भी मत। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है लगता है कि ये लड़की कल की बात से अभी भी नाराज है और ये आज अपना पूरा बदला मेरे पे निकाल रही है कल की बातों का। फिर हमें जिंक को दिखाया जाता है, जिंक बहुत ज्यादा खुश हो होती है और सुचिन को कह रही होती है मुझे याद है तूने मुझे पिछली बार कहा था कि तुझे अपने शरीर में ताकत चाहिए और तू चाहता था कि मैं तुझे मार्शल आर्ट सिखाऊं। ये बात सुनकर सुचिन थोड़ा सा घबरा जाता है और जिंक को कह रहा होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन जिंक को कह रहा होता है मुझे लगता है कि जो तू मुझे अभी सिखा रही है उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और मुझे मार्शल आर्ट सीखने की कोई जरूरत भी नहीं है अभी। फिर जिंक सुचिन के पास आ जाती है और सुचिन को कह रही होती है अगर तू मार्शल आर्ट सीख लेगा तो तुझे ये डर नहीं लगेगा तुमसे मार खा सके और तुम मुझे मार भी सकता है। और सुचिन जिंक को कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ। और अपने मन में कह रहा होता है ये क्या मजाक कर रही है, अगर मैं मार्शल आर्ट सीख भी लिया तो मैं ही हूँ जो इसे मार खाऊंगा और मैं इसे मारने का तो सोच भी नहीं सकता। फिर हमें जिंक को दिखाया था, जिंक अपना तलवार नीचे रख लेती है और सुचिन देख रहा होता है जिंक आखिर करने क्या वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंक को दिखाया जाता है, जिंक एक मार्शल आर्ट टेक्निक सुचिन को दिखा रही होती है और सुचिन को कह रही होती है ध्यान से देख अभी जो मैं टेक्निक दिखाने वाली हूँ उसे टैंक फिस्ट कहा जाता है। और जिंक टैंक फिस्ट टेक्निक के बारे में सुचिन को बता रही होती है ये जो टेक्निक है इसका मेन फोकस है ना अब तेरे हाथों पर है, तू अपने हाथों से किसी भी चीज को पकड़ सकता है। और हमें जिंक के हाथों को दिखाया जाता है, जिंक अपने हाथों को जोर से मुट्ठी बांध लेती है। ये देखकर सुचिन के पसीने छूट जाते हैं और बहुत ज्यादा घबराने लगता है और जिंक कह रही होती है ये टेक्निक से तो किसी भी चीज को पकड़ सकता है और तो जिस चीज को पकड़ेगा वो तेरे हाथ से छूटने वाली भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंक को दिखाया जाता है, सुचिन जिंक के सामने घुटने पे गिर गया होता है और कह रहा होता है बिल्कुल मैं ये टेक्निक सीखना चाहता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन एक प्यारा सा बच्चा बन के रो रहा होता है और जिंक को कह रहा होता है लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसीलिए हम लोग ये टेक्निक कल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बच्चे पे थोड़ा रहम कर। सुचिन को ऐसा देखकर जिंक वहां से मुड़ जाती है और कह रही होती है ठीक है तो फिर मैं कल तुझे ये टेक्निक सिखाऊंगी और मैं अभी जाती हूँ हम लोग के लिए नाश्ता बनाने के लिए। और जिंक किचन में पहुंच जाती है और हमें जिंक को दिखाया जाता है, जिंक बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है जहां तक मैं सुचिन को जानती हूँ वो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उसके पास जो स्किल है अगर मैं उसे सिखाऊंगी तो वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और हमें जिंक को दिखाया जाता है, जिंक बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है, उसकी आंखें भी चमक रही होती है और अपने मन में कह रही होती है तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि अगर मैं उसे मारूं तो भी, क्योंकि जब भी उसे लगा कि मैं उसे मारने वाली हूँ तभी वो मुझे भी मार सकता है और उसे चिंता करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जब उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा तो वो जो चाहे वो मेरे साथ कर सकता है और तब मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगी। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन वहां पर बैठा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर लड़की सीखी गई किस तरीके से दूसरे को धमकाया जाता है। फिर जिंक अचानक से किचन से बाहर निकलती है और सुचिन को कह रही होती है तू टाइम पास क्या कर रहा है, तुझे मैं जो सिखाई हूँ उसे तो प्रैक्टिस कर, आराम मत किया कर। और सुचिन जिंक को देख के चौंक जाता है और कहता है हाँ हाँ मैडम बिल्कुल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंक कंप्यूटर पे अपना काम कर रही होती है और हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन अपना कोट पहन के कहीं पर जाने वाला होता है और जिंक को कह रहा होता है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में थोड़ा लेट भी हो जाएगा, अगर तुझे कुछ काम होगा तो तू मुझे फोन करना, तुझे मेरा फोन नंबर तो मालूम है ना, और याद रखना किसी भी अनजान लोग को अपने घर के अंदर आने मत देना। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंक का हाथ पकड़ लिया होता है, ये देखकर जिंक बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और सोच रही होती है ये बार बार मेरे हाथों को क्यों पकड़ता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने घर से भाग रहा होता है और कह रहा होता है तो फिर मैं जा रहा हूँ तू घर का ध्यान रखना, और जिंक शर्माते हुए कह रही होती है तो सबसे बड़ा डैंग टू जिम। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंगला दिखाया जाता है और हमें वैंगजी को दिखाया जाता है और वैंगजी अभी अभी उठा हुआ होता है, वो बरस कर रहा होता है और सुचिन को कह रहा होता है सुचिन आखिर तू मेरे घर पे क्यों आया। फिर सुचिन उसे अपना मोबाइल पे मैसेज दिखाते हुए कह रहा होता है मुझे मालूम था कि तू आज भूल जाएगा इसलिए मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ, आज हम लोग का क्लास रियूनियन डे है तुझे याद तो होगा नहीं। फिर हमें वैंगजी को दिखाया जाता है, वैंगजी सुचिन को कह रहा होता है अरे हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, काम कर तू जल्दी से अंदर आ जा मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। और सुचिन वैंगजी को घर को चारों तरफ से देख रहा होता है, कह रहा होता है तेरे घर के अंदर कोई अश्लील चीज तो नहीं रखी हुई है। फिर वैंगजी सुचिन को कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कुछ ही दिन पहले ब्रेकअप कर लिए थे और तुझे मालूम नहीं है क्या, जरूर तूने मेरे स्टेटस को नहीं देखा होगा। फिर सुचिन वैंगजी को कह रहा होता है तेरे स्टेटस को देखना भी कौन चाहता है, और वैंगजी को ये बात दिल पे लगती है क्योंकि वो सबसे बड़ा अमीर आदमी था तो स्टेटस बहुत सारे लोग देखते भी थे। नेक्स्ट सीन में वैंगजी तैयार हो गया होता है और सुचिन के साथ रियूनियन के लिए जा रहा होता है और वैंगजी सुचिन को कह रहा होता है मेरी जो गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो अचानक से मुझे छोड़ दी और मुझे उसका कारण भी नहीं बताया। क्या तू सोच सकता है मेरे साथ क्या हुआ है? फिर सुचिन वैंगजी को कह रहा होता है, एक मिनट तेरी गाड़ी किधर गई? और अपने मन में कह रहा होता है, मैं इसके पास इसीलिए आया था कि मैंने सोचा था कि हम दोनों कार से आराम से स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके पास तो कार ही नहीं है। और वैंगजी सुचिन को कह रहा होता है, मेरी कार जो है ना वो मेरे पापा ने मुझसे छीन ली, क्योंकि मेरे पापा के साथ और मेरी धार सुनी हो गई, इसके वजह से वो मेरी गाड़ी भी लेके चलेगा और मेरे पैसे भी, अब मैं तेरी तरह एक गरीब आदमी हूँ। फिर सुचिन वहां से मुड़ जाता है और कह रहा होता है, चल इस चीज के बारे में भूल जाते हैं, अभी हम लोग फटाफट ट्रेन लेते हैं वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सुचिन और वैंगजी स्टेशन पहुंच गए होते हैं और वो लोग एक ट्रेन में बैठ भी गए होते हैं। सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, आज ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है और वैंगजी किसी लड़की को घूरे जा रहा होता है, और सुचिन की नजर वैंगजी पे पड़ जाती है और सुचिन वैंगजी को कह रहा होता है, आखिर तू देख किसे रहा है? तभी वैंगजी सुचिन के पास जाता है और उसके कान में कह रहा होता है, अरे ध्यान से देख, वहाँ पे जो लड़की खड़ी है वो बिल्कुल जिसके पास पीले कलर की बैग है, और हमें उस लड़की को दिखाया था जिसके पास पीले कलर की बैग होती है। वैंगजी सुचिन कह रहा होता है, ये लड़की को जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लगता है कि ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड में से कोई एक है, और वो लड़की ये सब बात सुन रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन वो लड़की वैंगजी को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में कह रही होती है, हाँ मैं हूँ तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड, तो इसे क्या? ये सुनकर वैंगजी थोड़ा सा डर जाता है, वो दोनों एकदम बच्चे की तरह आजू-बाजू देखने लगते हैं, और सुचिन कह रहा होता है, इस लड़के को मैं नहीं जानता, मैं तो अकेले आया हूँ। और वैंगजी उस लड़की के पास आ जाता है और कह रहा होता है, अरे कितनी अजीब बात है, आज हम दोनों अचानक से मिल गए, मैं तो बस ये कह रहा था कि तू बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और वो लड़की गुस्से में वैंगजी को कह रही होती है, क्या मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ? और वैंगजी की नजर उसके बैग में पड़ती है, उसके बैग में बहुत सारे पेंट ब्रश होते हैं, और वैंगजी उस लड़की को कह रहा होता है, मुझे अभी भी याद है पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था तुझे। और लड़की वैंगजी को कह रही होती है, अच्छा तुझे कम से कम ये बात तो याद है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है। और वैंगजी उस लड़की को कह रहा होता है, आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ, आखिर तू तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना पहले, और मुझे तू ये बता तू अभी कैसी है। फिर हमें वैंगजी और उस लड़की को दिखाया था, वो दोनों कोने में आराम से बात कर रहे होते हैं और सुचिन साइड में खड़ा होता है। वो लड़की वैंगजी को कह रही होती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मेरा सेहत भी बिल्कुल अच्छा है, और मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, ऐसा लगता है कि तेरा दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तभी वैंगजी उस लड़की को कह रहा होता है, नहीं नहीं मेरा दिन तो एकदम अच्छा चल रहा है, खराब तो बहुत दूर की बात है, मेरा कभी भी दिन खराब नहीं गया। और वो लड़की कह रही होती है, आखिर तू जा कहाँ पे रहा है? और वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन चौंक गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है, अचानक से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलना ये सबसे बेकार किस्मत में से एक है, और इस लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसकी आंखों में कुछ गुस्सा तो दिख ही नहीं रहा है, वो लोग एक दूसरे से एकदम प्यार से बात किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो दोनों ने एक दूसरे को छोड़ भी दिया हो, और ऐसा लगता है कि वो दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग है। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन मुंह फुला के खड़ा होता है ट्रेन में और हमें बताया जा रहा होता है कि सुचिन एक ऐसा लड़का है जो बेचारा अकेला जिंदगी काट रहा है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो अभी जिंग है उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो उसे हम लोग उसकी गर्लफ्रेंड कह नहीं सकते। फिर हमें सुचिन को दिखाया, सुचिन अपना मोबाइल निकाल लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, पता नहीं ये जिंग घर में कर क्या रही होगी, क्या उसने अभी तक खाना खाया कि नहीं, और अपने मोबाइल में चेक कर रहा होता है, उसे जिंग की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया होता है, और मुस्कुराने लगता है। फिर सुचिन जिंग को एक मैसेज लिख के भेजता है। सुचिन अपने मैसेज में लिखा हुआ होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल नामुमकिन होती है उसे मना करना, जैसे कि अकेलापन, जैसे कि बहुत सारी यादें, और यहाँ तक कि मैं मेरा तुझे पसंद करना, इन सब चीजों को तू मना नहीं कर सकता और तू इस चीज से पीछा भी नहीं छुड़ा सकती। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो के चैप्टर नंबर 67 में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।